व्हाट्स एप एवरी वन वेलकम बैक टू दैनल गईज कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर हम लोगों ने कैजुअलाइजेशन और उसके साथ साथ इन फॉर्मेलाइजेशन कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करे थे बहुत ही ईजी चैप्टर है सिंपल चैप्टर है आज इस चैप्टर को कम्पलीट करते हैं इन दिस पार्ट टू और फिर हमारे बच जाएंगे बस दो चैप्टर और हमारा इंडियन का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बहुत अच्छी सीरीज रही बहुत मजा आया का सिलेबस भी एंडिंग पे है बिजनेस स्टडीज ऑलरेडी हो चुका है तो वी आर गोइंग टू एंड आर सिलेबस इन दिस ईयर बहुत बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है हमें जनवरी में बहुत सारे धमाके तुम्हारे लिए आ रहे हैं चलिए जल्दी से आज इसको खत्म करते हैं लेट्स बिगे शुरू करते हैं गाइज देखो जो सबसे पहला टॉपिक है आज वो है रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट अब यहाँ पे ये बोला गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है कल हमने देखा था कि अ पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू डू द वर्क बट इज नॉट गेटिंग एनी वर्क है ना उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं अब अनएम्प्लॉयमेंट दो कैटेगरीज में डिवाइड करी गई रूरल अलग अर्बन अलग और कुछ उसके बाद ऐसी जो दोनों में ही पाई जाती हैं रूरल एरियाज में भी अर्बन एरियाज में भी आओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या देखने को मिलता है तो देखो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है अब एग्रीकल्चर में क्या चलता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सर डिस्गाइज में क्या होता है डिस्गाइज में होता है बच्चों की जहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है बस वो नाम के लिए काम कर रहे हैं कि भैया अब तो हम तो अपनी फैमिली बिजनेस करेंगे फैमिली एग्रीकल्चर पे लगेंगे जो हमारा बिजनेस है बस उसी पे ध्यान देंगे तो उनके पास एक लैंड है वो लैंड पे अगर घर में दस लोग हैं तो दस के दस लग गए ये नहीं देख रहे कि उस जमीन पे सिर्फ पांच लोगों की जरूरत है या छह लोगों की जरूरत है तो जितने भी लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो सब दिख रहे हैं जिनके पास काम है लेकिन एक्चुअल में काम नहीं है समझे इसको डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्गज में लिखा हुआ है इट अकर्स वेन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इज मोर देन द एक्चुअली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिक्वास इफ समर विदड्रॉन टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल मतलब अगर उनमें से आप कुछ लोगों को हटा भी दो तब भी प्रोडक्शन गिरेगा नहीं इसका मतलब उनकी जरूरत ही नहीं थी तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं डिस्ग अनएम्प्लॉयमेंट उसके बाद क्या है बच्चों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये भी रूरल एरियाज में देखने को मिलता है क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल चीज है एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है है ना अब इसके अंदर ऑन एंड ऑफ चलता रहता है एक सीजन में काम है अगले सीजन में काम नहीं है एक सीजन में काम है अगले सीजन में काम नहीं है तो फॉर टाइम बींग फार्मर एम्प्लॉयड रहेगा एंड फॉर दी अदर टाइम फार्मर अनएम्प्लॉयड रहेगा तो ऐसे ऑन एंड ऑफ के सीजनल के लिए हम जो बेरोजगारी देखते हैं उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं क्या लिखा है अनदर काइंड ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल इट अकर्स बिकॉज एग्रीकल्चर इज अल ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द ऑफ सीजन ऑफन द फार्म वर्कर्स आर आउट ऑफ द जॉब दे हैव नो वर्क टू डू राइट अर्बन शहरों में क्या देखने को मिलता है बच्चों इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड इंडस्ट्रियल बहुत सिंपल हैं जितने भी ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं बट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ड्यू टू चेंज इन एनीथिंग इंडस्ट्री में उनको काम नहीं मिल रहा है तो उसको हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं क्या लिखा है इट इंक्लूड्स दो इलिट्रेट पर्सन आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज माइनिंग ट्रांसपोर्ट ट्रेड कंस्ट्रक्शन बट उनको काम नहीं मिल रहा है द प्रिंसिपल कॉजेस क्या है इसके नंबर वन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया इतने लोगों का हम कहाँ से दें दूसरा इंडस्ट्रीज मेनली अर्बन एरियाज में है अब मेनली अगर अर्बन एरियाज में ही है तो फिर उस सेनारियों में हर इंसान को तो काम नहीं दे सकते ना सही है ना तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है एजुकेटेड क्या है एजुकेटेड में हम जानते ही हैं कि हमारे स्कूल्स हमारे कॉलेजेस जितना भी हमारी पढ़ाई है जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है जॉब ओरिएंटेड नहीं है हमें जितनी भी चीजें पढ़ाई गई सिखाई गई बताई गई उन सब से हमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्राप्त होगी जॉब पता नहीं मिले या ना मिले देर इज नो गारंटी फॉर दैट आप लोग यही ले लो ना आप इंडियन इको पढ़ रहे हो पूरा का पूरा अब इंडियन इको पढ़ने के बाद तुमने अपना एक सब्जेक्ट पढ़ा पूरा सिर्फ इंडियन इको के बेस पे तुम्हें कोई क्या नौकरी देगा तुम मुझे बताओ इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे तुम किसी और के लिए पैसा कमा सको तो यहां पे हमारी एजुकेशन में यही प्रॉब्लम है कि हमारी एजुकेशन में स्किल बेस्ड पढ़ाई नहीं हो रही है सिर्फ एक डिग्री ओरिएंटेड चीज है कि ये पढ़ो डिग्री मिल जाएगी दैट इज इट काम पता नहीं मिले या ना मिले ये यह यहां पे लिखा हुआ इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ अनुप्लॉयमेंट क्वाइट ग्रेव इट इज़ अ प्रॉब्लम स्प्रेड अक्रॉस ऑल द पार्ट एंड पॉज इज अस थ्रेड टू द सोशल पीस एंड हार्मनी नंबर वन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल द नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्स हैली इंक्रीज एजुकेटड पर्सन बहुत ज्यादा बढ़ गए डिग्री वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बहुत ज्यादा हो गए लेकिन क्या इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं क्या इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं नहीं हैं एजुकेशन सिस्टम इज नॉट जब ओरिएटेड इट इज लार्जली डिग्री ओरिएंटेड डिग्री होल्डर्स ऑफन फेल टू फाइंड जॉब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ डिग्री ऑरिएड है जॉब ऑरिएटेड नहीं है तो हमें डिग्री मिलती है जॉब नहीं मिलती ठीक है ये एक बेसिकली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है देन वी हैव बच्चे कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन में आप ओपन देखते हो ओपन का मतलब नॉर्मली वही एक वर्कर जो काम करना चाहता है एबल भी है बिलिंग भी है लेकिन काम नहीं मिल रहा चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं देन वी हैव स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल होता है बच्चों अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो जाए टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल जाए आपको जो टेक्नोलॉजी आती है उस टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है सपोज आज की डेट में आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो और आज से दो साल बाद तीन साल बाद ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ वही करे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करनी जानता है जो ए को समझता है तो फिर आज वाले की तो जॉब गई है ना तो ये बेसिकली क्या है ये एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे टेक्नोलॉजी की वजह से या जो डिमांड ऑफ वर्कर्स है वो कुछ और है आपकी स्किल कुछ और है इस वजह से मिलती है तो इसलिए यहां पे हमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है क्या लिखा है देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनमी दो तरीके के होते हैं इधर चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है कि आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिल रहा है ना आप काम कर सकते हो आठ घंटे दस घंटे लेकिन आपको काम मिल रहा है तीन चार घंटे का तो यू आर अंडर अंडर एम्प्लॉयड ठीक है एम्प्लॉयमेंट इज इन वर्कर गेट अ फुल टाइम जॉब ही अनएम्प्लॉयड फॉर सम मंथ्स और सम आवर्स एवरी डे या तो वो साल में कुछ महीने बेरोजगार रहता है या वो दिन में कुछ घंटे बेरोजगार रहता है उसको हम अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं ठीक है अंडर एम्प्लॉयमेंट है? दो हैं विजिबल जहां पे आप देख सकते हो कि एक इंसान आठ घंटे काम कर सकता है लेकिन चार ही घंटे कर रहा है एक तो वो है विजिबल और दूसरा इनविजिबल इनविजिबल का मतलब होता है कि आपको काम तो पूरा आठ घंटे का मिल रहा है लेकिन जो आपको पैसा मिल रहा है वो तीन चार घंटे का ही मिल रहा है मतलब इतना पैसा आपको तीन चार घंटे काम करके भी मिल जाता बट काम आपसे आठ घंटे कराया जा रहा है पैसा आपको दो तीन घंटे का ही दिया जा रहा है ये एक अंडर एम्प्लॉयमेंट ही है बस ये इनविजिबल है ठीक है नेक्स्ट होता है बच्चों फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल होता है बेटा जी द टाइम गैप बिटवीन टू जॉब्स जब भी आप जॉब को स्विच करते हो तो एक जॉब छोड़ोगे दूसरा लोगे उसके बीच में आप बेरोजगार रहोगे पांच दिन सात दिन दस दिन महीना है ना इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं देखो फ्रिक्शनल क्या है इट अकर्स ड्यू टू इनपरफेक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर वन विश टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर बट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज मे रिमेन अनएम्प्लॉइड फॉर सम टाइम साइक्लिकल साइक्लिकल होता है बेटा बिजनेस साइकिल की वजह से देखो बिजनेस साइकिल ऐसा होता है बिजनेस कभी ऊपर होता है फिर नीचे होता है फिर बिल्कुल गिरा हुआ होता है फिर रिकवर करता है है ना

थोड़ा सा नीचे आता है तो थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट कम होती है डिप्रेशन बिल्कुल बंद हो जाता है तो यहाँ पे तो बहुत दिक्कत होती है रिकवरी जब धीरे 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 चीजें ग्रो करने लगती हैं ठीक है इसका भी स्क्रीन ले लो बच्चों अब आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रहा है वॉट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अब इसके अंदर मेरे पास कुछ खास पढ़ाने को नहीं है बहुत ही बेसिक सा आंसर है ये आप सब जानते हो कॉजेज कौन कौन से हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको डिटेल में एक बार ये सारे पॉइंट्स दिखा देता हूँ तो कॉजेज में बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है बहुत धीरे 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 हम ग्रो करते हैं जबकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन लोगों का जो डिमांड है जॉब्स की वो बहुत ज्यादा है दैट इज वाई हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है दूसरा लिखा हुआ है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हर जगह जितनी भी प्रॉब्लम है चाहे वो इन्फ्लेशन हो चाहे वो इलिटरेसी हो चाहे वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो चाहे वो ये जॉब नहीं मिलना अनएम्प्लॉयमेंट हो इन सब के पीछे एक मेजर कारण है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी हमारे पास डिमांड उतनी ज़्यादा होगी लेकिन सप्लाई उतनी कभी हो ही नहीं सकती जितना बड़ा हमारा देश है तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारे लिए हो रही है एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है बेटा तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है पानी की व्यवस्था नहीं है किसान के पास तो फसल इतनी अच्छी नहीं होती तो बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो पाती उसके बाद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम फैमिली सिस्टम की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे देखने को मिलता है कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है कॉम्पिटिशन की वजह से राइट तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए बन गया है लोगों को सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हैबिट नहीं है जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट सस्टेन करता है चलता रहता है चलता रहता है लास्ट लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो मूव नहीं करना चाहते आप भी अगर अपने पेरेंट्स को बोलोगे ना कि यार मुझे जॉब करने कहीं बाहर जाना है तो शायद वो मना करते हैं कि नहीं बेटा अपने घर रहो नहीं बेटी अपने घर रहो ऐसा होता है तो कई बार हम लोग अपॉर्चुनिटीज इसलिए भी मिस कर देते हैं क्योंकि मूवमेंट नहीं करती हमारी लेबर हम लोग मूव नहीं करते हम लोग रेजिस्टेंट होते हैं अपने घर पर रहना चाहते हैं अपने आस ही रहना चाहते हैं जब तक बाहर नहीं निकलेंगे अपॉर्चुनिटी कैसे दिखेगा तो ये यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं तो ये सब बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट ओके okay. इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं नंबर वन प्रोडक्शन बढ़ाओ अगर प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा तो डिमांड को हम पूरा करने लगेंगे उतने ही लोगों की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन करने के लिए तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी लोगों को काम मिलेगा लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी देखो क्या लिखा हुआ है टू increase एम्प्लॉयमेंट इट इज़ एसेंशियल टू increase प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जब ये सब होंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो अपने आप लोगों को काम मिलेगा प्रोडक्टिविटी बच्चों देखो डिमांड फॉर लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू तो प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी जितना अच्छा फसल होगा जितना अच्छा आउटपुट होगा फैक्ट्रीज में उतना अच्छा लोगों की जरूरत पड़ेगी हमें उतने ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी जितने ज़्यादा लोग लगे होंगे उतना अच्छा हम बिजनेस कर पाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा लोगों को काम मिलता है ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है सर दोनों में फर्क क्या है बच्चों प्रोडक्शन हमेशा क्वांटिटी में होगा कि कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी प्रोडक्टिविटी एक हेक्टेयर ऑफ लैंड पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है है ना? तो दोनों में बहुत फर्क है प्रोडक्टिविटी इज योर आउटपुट आप कितना काम कर रहे हो वो आपकी प्रोडक्टिविटी है सही है हाईअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हमें कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाना चाहिए देश में कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए सर इन्वेस्टमेंट कहाँ करें बच्चों इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को भी करनी चाहिए कहाँ करें बड़े बड़े बिजनेस बनाओ हॉस्पिटल्स बनाओ स्कूल्स बनाओ कॉलेजेस बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज लगाओ जब इतना सारा बिजनेस डेवलप होगा इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो अपने आप ग्रोथ देखने को मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा ये हमारा सबसे बड़ा फैक्टर होता है हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन नेक्स्ट इज़ हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस सेल्फ एम्प्लॉयड परसेंस को हेल्प करने की बहुत ज्यादा जरूरत है है ना देखो लिखा हुआ है अराउंडी टू परसेंट ऑफ पीपल इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड लगभग 50 परसेंट हमारी पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयड है अपने लिए बिजनेस करती हैं एग्रीकल्चर में हो चाहे वो चाहे वो किसी बिजनेस में हो तो गवर्नमेंट को इनको एनकरेज एक, करना चाहिए क्योंकि देखो सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती लेकिन जो इंसान अपना बिजनेस कर रहा है उसकी दुकान पर कोई ना कोई एक आधा या दो लोग या तीन लोग उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो एक इंसान जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कई लोगों को काम देता है और वो कई लोगों को काम देता है तो वहां हमें बहुत बहुत सारी ग्रोथ देखने देखने को को मिलती है बहुत सारा देखने को है सारा एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलता तो जब भी बढ़ाना हो हम लोग ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी देखो गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती तो ठीक है सेल्फ एम्प्लॉयड की हेल्प कर दो वो जॉब दे देगा है ना तो ये हो सकता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है हमें फोकस करनी होगी ये मैं आपको अभी पीछे भी बता रहा था कि आपको यह इंडियन ई को पढ़ के कोई जॉब मिलने वाली नहीं है आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल स्किल्स समझ में आए जिसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाई जाएँ तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है लोगों को डिग्री ओरिएंटेड नहीं जॉब ओरिएंटेड बनाओ बिजनेस ओरिएंटेड बनाओ लोगों को व्यापार करना सिखाओ मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप मेरे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे ज़रूर फॉलो करो क्योंकि यूट्यूब पर आप मेरे से सिर्फ यही पढ़ पाओगे है ना या आप मेरा दूसरा चैनल देखो रजत अरोड़ा टॉक्स मैं उस पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें डिस्कस करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया हुआ है मैं उस पर काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को बताता रहता हूँ डेली बेसिस पे बताता हूँ मेरे लिंकड इन पे मैं बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखता हूँ अपने बच्चों के लिए स्किल्स ऑरियंटेड जिससे आप थोड़ा ओवरऑल डेवलप हो पाओगे मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ ये पढ़ाना नहीं है ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाए एक कन्वेंशनल जो चीज़ है देखो जो चीज़ चली आ रही है उसको हमें करना है बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स नहीं होना जो एजुकेशन है वो तो हमें करनी है लेकिन इसके साथ साथ मेरा मकसद मेरा मिशन कुछ और है मैं वो भी अपने दूसरे हैंडल्स पे कर रहा हूँ तो प्लीज मेक श्योर sure आप वहां भी कनेक्टेड रहें मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि मैं आपकी लाइफ में बहुत सारा वैल्यू एडिशन कर दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ठीक है तुम तो ज्वाइन कर जो, जो लोग करते हैं उनको पता है है ना तो सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होगा बाकी चीजों पर भी काम करना होगा टेक्निक ऑफ़ प्रोडक्शन अब देखो दो प्रकार की टेक्निक ऑफ़ प्रोडक्शन होती हैं बच्चों लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन है तो लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सिर्फ मशीनों से नहीं होगा लेबर इंटेंसिव अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी तभी लोगों को काम मिलेगा अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएंगे तो हाँ हमारी ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन जॉबलेस हो जाएगी जो भी पीछे पड़ के आए तो जॉबलेस ग्रोथ से बचना है लेबर ओरिएंटेड भी यूज करना है और कैपिटल इंटेंसिव भी दोनों का मिक्स बनाओ है ना नेक्स्ट क्या आता है कॉपरेटिव इंडस्ट्रीज जैसे कॉपरेटिव फार्मिंग है वैसे ही कॉपरेटिव इंडस्ट्रीज को भी एनकरेज करना होगा और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो हैं जो गवर्नमेंट निकालती है उन पे खास ध्यान देना होगा ठीक है तो देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कोई भी चार पांच पॉइंट्स आप याद रख सकते हो और आपका काम हो जाएगा नेक्स्ट आता है बच्चों गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स ये आपके एग्जाम में जरूर पूछ लेता है जैसे कि ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी बेटा इसमें कुछ खास है नहीं तो देखो गवर्नमेंट की स्कीम्स में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है जिससे लोगों को अच्छी जॉब सेफ्टी मिले जॉब सिक्योरिटी मिले जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इसको बोलते हैं इसके अंदर हंड्रेड डेज एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट मेक श्योर करता है मनरेगा एम्स एट एनहेंसिंग द लिवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल बाय गारंड्रेड डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर तो याद रखेंगे बेटा जी सौ दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब वेजेस मिलेंगी काम करोगे वेजेस मिलेंगी उनके लिए मनरेगा एक स्कीम है जो गवर्नमेंट की चलती है दिस स्कीम इज वन ऑफ द मेनी मेजर्स बहुत सारी में से एक स्कीम है ये जो गारंटी करती है एम्प्लॉयमेंट देने की जिनको जॉब्स की जरूरत है ठीक है सिंस इंडिपेंडेंस द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी जनरेट करी है अब वो लोग क्या करते हैं दो तरीके से गवर्नमेंट आपको हेल्प करता है दो तरीके से कैसे हेल्प करता है एक तो होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देना डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है डायरेक्ट जॉब्स देना अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक तो होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक होता है इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपको कैसे हेल्प करता है देखो यह है इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हेल्प करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को ऑप्शन दे के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को हेल्प करके जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं उन्हें हेल्प कर दी कैसे टैक्स इंसेंटिव दे दिए रॉ मटेरियल में बेनिफिट दे दिया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दे दी तो इस तरीके से जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है जो अपने लिए काम करते हैं उनको भी गवर्नमेंट हेल्प करता है ताकि वो भी अपने साथ दो तीन चार लोगों को रखें उनको भी जॉब्स दें तो गवर्नमेंट दो तरीके से हेल्प करता है बच्चों नंबर वन इज़ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नंबर टू इज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ठीक है क्लियर है सही हो गया डांसर ये गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान हैं गवर्नमेंट के कुछ जिनका आपको नाम याद रखना है जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इनका नाम याद रखना ये द फॉलोइंग में आ सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग स्कीम्स हैं ओके गवर्नमेंट एम्स टू एलिवेट पॉवर्टी थ्रू सच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स ऑल द प्रोग्राम्स एम्स एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन एंड रूरल शेल्टर ठीक है जी क्लियर है लास्ट है बच्चों हमारे पास कॉन्क्लूजन कॉन्क्लूजन को आप एक बार आराम से रीड कर सकते हो दिस इसका स्क्रीन ले लो दिस इज अ रीड ओनली टॉपिक फॉर यू या आप खुद पढ़ोगे और कोई दिक्कत आएगी तो मुझे आप नीचे कॉमेंट्स में बता देना इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है मैंने जो भी आपको पढ़ा है, सब यहाँ पे कॉन्क्लूड कर दिया सब कुछ यहाँ पे लिख दिया और बढ़िया तरीके से आपको समझा भी दिया हमारे दो चैप्टर बचते हैं इस वीक में खत्म करने की कोशिश करते हैं और चीजों को समाप्त करते हैं थैंक यू सो मच एवरी